नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के लिए हिंदी मीडियम में कोशिका का आज हम न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक एसिड आपको बताएंगे। कक्षा 9 हिंदी मीडियम के लिए न्यूक्लिक एसिड एमिल फिशर ने इसकी खोज की थी और एक केंद्रक में पाए जाते हैं फ्रेडरिक मेसर ने इसकी खोज की थी। ये केंद्रक में पाए जाते हैं दो प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, एक तो है अमीनो अम्ल या न्यूक्लिक एसिड है, एक तो है जिसे हम आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड और दूसरा डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड तो इस तरह से दो प्रकार के एसिड पाए जाते हैं, एक तो है आरएनए और दूसरा डीएनए एक केंद्रक में पाए जाते हैं। अगर आरएनए और डीएनए की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड फास्फेट शर्करा नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन गुआनिन थायमिन साइटोसिन से मिलकर के और शुगर से पेंटोज शुगर से मिलकर के बने हुए होते हैं। आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए और आरएनए डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, इसे हम आनुवंशिकता के वाहक के रूप में आनुवंशिक पदार्थों के वाहक के लिए गुणों के वाहक के रूप में देखते हैं, जबकि आरएनए डीएनए से उत्पन्न होते हैं। ये वायरस में आनुवंशिक पदार्थों के वाहक के रूप में पाए जाते हैं। वाटसन और क्रिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, वाटसन और क्रिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिन्हें हम डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। तो अगर हम वाटसन क्रिक मॉडल आपको कल बताएंगे, पहले हम डीएनए और आरएनए में अंतर बता दें। डीएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है जबकि आरएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है जबकि आरएनए जो है डीएनए से निर्मित होता है। यूं कहें आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाए जाते हैं, आरएनए और डीएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन गुआनिन थायमिन, डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन गुआनिन थायमिन और साइटोसिन, जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं एडेनिन गुआनिन थायमिन की जगह यूरेसिल होता है और साइटोसिन होते हैं। तो ये डीएनए और आरएनए में मूलभूत अंतर है। क्रम से पढ़ लीजिए, हम आपको कल डीएनए की संरचना बताएंगे। धन्यवाद।